अंतस योग में आपका स्वागत है। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं तो करिए योगासन। तो आइए जानते हैं ऐसे योगासन के बारे में जिनसे आप घुटनों के दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए, दोनों हाथों को घुटने के नीचे से रखते हुए सांस को बाहर निकाल कर पैर को ऊपर उठाइए। क्षमतानुसार रोकते हुए पंजे को अंदर की तरफ, रिलैक्स। वास्तव में घुटनों का दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे बड़ी तादाद में लोग जूझ रहे हैं। कई लोग इसके इलाज के लिए थेरेपी, सर्जरी और दवाइयां आदि कई उपाय अपना चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अपनी इस समस्या का समाधान आप योगा के जरिए कर सकते हैं। ये योगासन, ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगे घुटने के दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज, जानु शीर्षासन। गहरा सांस भरते हुए सांस को बाहर निकालते दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। शक्ति अनुसार झुकते हुए एक बार फिर से गहरा सांस, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दूसरी तरफ से। जोड़ों में दर्द एक आम समस्या है जिसका प्रमुख कारण अक्सर अर्थराइटिस, जिसे गठिया भी कहा जाता है, विशेषकर 50 या 60 की उम्र के आसपास ये ज़्यादा परेशान करता है। इसमें रोगी की हड्डियों में सूजन, अकड़न और जोड़ों में दर्द होता है। ऐसा जोड़ों में यूरिक एसिड जमने की वजह से होता है। यूरिक एसिड के जमने से मरीज के जोड़ों में गांठें भी बन जाती हैं। अधिकतर मामलों में यह समस्या 50 या 60 के उम्र के लोगों में ही होती है। इसके अलावा सर्दियों में लोगों की जीवन शैली बदलती है। गर्मियों के मौसम के मुकाबले इस मौसम में खान पान भी अधिक बढ़ जाता है। सुबह लेट उठना, धूप ना होना, सुबह की एक्सरसाइज या वॉकिंग नहीं हो पाती आदि कारणों से अर्थराइटिस की समस्या बढ़ने लगती है। लेकिन घुटनों की दर्द की समस्या से कुछ ये एक्सरसाइज आपको आराम दिला सकती है। मत्स्यासन, पीछे लेट जाइए, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ते हुए गर्दन को उठाते हुए। जो लोग पद्मासन नहीं कर सकते वो आलती पालती लगाकर पीछे लेट जाए। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अंतस योग।